धर्मेंद्र ही मैन के नाम से तो जाने जाते ही हैं। साथ ही दिल के बहुत साफ नेक दिल इंसान है, इमोशन से भरे हैं। 45 साल पहले के दिन को याद कर लेते हैं तो रो आते हैं। एक किस्सा इंडियन आइडल के सेट पर भी देखने को मिला था। हाल ही में इंडियन आइडल के सीजन में जब धर्मेंद्र मुमताज के संग पहुंचे थे तो इन दोनों की फिल्म लोफर का गाना मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं इन पर फिल्माया गया। गाने पर मुमताज और धर्म एक्टिंग करते करते इस कदर इमोशनल हो जाते हैं जैसे सच में धर्मेंद्र के लिए मुमताज उनकी खास महबूबा रही हो। मुमताज को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं हेमा मालिनी की भी याद आई होगी। दोनों एक दूसरे को लिपट कर उस वक्त बुरी तरह रोते दिखाई दे रहे थे। दोनों के इमोशनल सीन देखकर वहां मौजूद हर कोई रो आया। यहां धर्मेंद्र मुमताज की दोस्ती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इन्होंने एक दूसरे के संग कई फिल्मों में काम किया लेकिन दोस्ती में कोई आंच नहीं आई। आज दोनों बुढ़ापे की वजह से चल भी नहीं पाते लेकिन जब अपने बीते दिनों को याद कर लेते हैं तो रो आते हैं। आज भी धर्मेंद्र की फिल्मों पर ढेर सारा प्यार लुटाया जाता है। ये वो जोड़ी है जिससे जमाना याद करेगा और कई दशक तक इन्हें ऐसे ही देखा जाएगा। और सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी धर्मेंद्र कुछ ऐसे ही हैं। धर्मेंद्र ने फिल्मों में जितना हेमा को तंग किया नटखट हरकतें की रियल लाइफ में भी हेमा से उतनी ही छेड़खानी करते हैं। बुढ़ापे में धर्मेंद्र अपने उन्हीं पुराने दिनों को याद करते हैं। यूं तो धर्मेंद्र ने हेमा जी के संग कई सारी फिल्में बनाई हैं लेकिन कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिनकी जोड़ी ने हेमा मालिनी को भी पीछे कर दिया और इसमें सबसे पहला नाम मौसमी चटर्जी का आता है। धर्मेंद्र मौसमी चटर्जी की फिल्म फंदेबाज है जिसमें मौसमी धर्मेंद्र का एक डायलॉग आज भी सुना जाता है, देखा जाए तो हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। और वो डायलॉग था और वो डायलॉग तब होता है जब धर्मेंद्र जी तैयार होकर सड़क पर चल रहे हैं तभी मौसमी अपनी कार गड्ढे से स्पीड में निकालती ले जाती है और गड्ढे की कीचड़ धर्मेंद्र के चेहरे पर चली जाती है। धर्मेंद्र गुस्से में मौसमी से कहते हैं बड़े बाप की लड़की तुम्हें लाइसेंस किसने दिया, ये तुम्हारे बाप की सड़क है। इस पर मौसमी भी कहती है तुम्हें सड़क पर चलना नहीं आता तो माँ की उंगली पकड़ कर चला करो। फिल्म का ये सीन आज भी तालियां सीटियां बजाने को मजबूर कर देता है। आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी जो अब तक हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी को माफ नहीं कर रही है। क्या हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी को अपने से दूर जाते देखने का एहसास कर लिया या फिर से हेमा ने धर्मेंद्र और प्रकाश को एक दूसरे के बहुत करीब देख लिया। करण की शादी के बाद से धर्म और प्रकाश काफी एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं और ये सब हेमा मालिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो ठीक नहीं है और उन्हें ठीक करने के लिए धर्म माफी भी मांग रहे हैं। धर्मेंद्र को पछतावा है कि उन्होंने हेमा और प्रकाश को एक नहीं कर पाया। हेमा मालिनी अपने आप को सजा भी दे रही हैं, वो धर्म जी से बात ना करके खुद को तकलीफ भी दे रही हैं। धर्म के घर का फंक्शन तो खत्म हो गया लेकिन हेमा मालिनी का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो धर्म जी से नाराज हैं। धर्म जी उन्हें मनाने के लिए हर रोज इंस्टा स्टोरी पर वीडियो भी लगा रहे हैं, यहाँ तक खुलेआम माफी भी मांग चुके। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र और प्रकाश की जाम लगाने वाली फोटो देखने के बाद हेमा मालिनी परेशान है, धर्म जी के किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही। हाल ही में धर्मेंद्र जी पोते करण की शादी में खूब एंजॉय करते नजर आए थे और इस शादी में हेमा मालिनी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। आखिर वो अपने घर की शादी में शामिल क्यों नहीं हुई और यही हाल ईशा देओल की शादी में हुआ था। हेमा की बेटी ईशा की शादी में धर्मेंद्र से कई सवाल पूछे गए। धर्मेंद्र ने सवालों को अपनी चीख से बंद कर दिया लेकिन इस बार वो अपनी आवाज से लोगों की आवाज नहीं दबा पाए। ईशा की शादी में भी एक रिपोर्टर ने धर्मेंद्र से पूछा था कि सनी देओल बॉबी देओल आ रहे हैं क्या और इस बात पर पहले तो धर्मेंद्र चुप रहे लेकिन दोबारा फिर प्रकाश के बारे में पूछा गया तो धर्मेंद्र से सहा नहीं गया और वो रिपोर्टर पर भड़कते दिखाई दिए। धर्मेंद्र ने उंगली दिखाते हुए कहा बकवास मत करो, यहाँ ईशा का फंक्शन है उसी को एंजॉय करें। धर्मेंद्र ने बात पलटते हुए ईशा की तारीफें की और कहा मुझे बहुत अच्छा सामान मिला, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो ईशा की तारीफों में लग गया जिससे दोबारा उनसे उनके पहले परिवार के लिए कुछ पूछा ना जाए लेकिन इस बार करण देओल की शादी में हेमा मालिनी पर काफी तंज कसे गए। हेमा मालिनी तो जवाब नहीं दे पाई लेकिन क्या आगे और भी शादी होंगी, उन सभी में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इसी तरह से बुरी तरह से फंसेंगे। तो अचानक आज धर्मेंद्र ने अपने दूसरे वाले परिवार के सदस्य की फोटो शेयर की है और हेमा मालिनी पर प्यार जुटाया है। अचानक से धर्मेंद्र के दिमाग में क्या आ गया कि उन्होंने ईशा देओल के संग फोटो शेयर करते हुए लिखा ईशा आहाना और हेमा मेरे सभी डार्लिंग किड्स को ढेर सारा प्यार। फोटो में बाप बेटी के प्यार ने वाकई सबका दिल जीत लिया। फोटो सिर्फ ईशा के संग है लेकिन प्यार दूसरे वाले परिवार पर लुटाया जा रहा है, स्पेशली हेमा मालिनी पर। आखिर हेमा मालिनी जी को धर्मेंद्र मना रहे हैं। करण की शादी के बाद से अब धर्मेंद्र जी
ने अब पूरा फोकस हेमा मालिनी वाले परिवार पर देना शुरू कर दिया। जहां हेमा मालिनी अपने पार्लियामेंट की फोटो शेयर कर रही हैं, तो वहीं धर्मेंद्र जी अपनी फैमिली के संग फोटो शेयर करके अपने दूसरे वाले परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि धर्मेंद्र ने करण देओल की शादी के वक्त स्टोरी पर जरूर शादी के कुछ फोटो शेयर किए थे, लेकिन प्रोफाइल पर एक भी फोटो नहीं लगाया, जबकि हेमा वाले परिवार के लिए फोटो शेयर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आज धर्मेंद्र की बेटी ईशा की शादी की सालगिरह भी है। धर्मेंद्र ने बेटी दामाद को बधाई देते हुए फोटो शेयर की है। हेमा जी और धर्मेंद्र के बीच दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। करण की शादी के बाद शायद अब सब कुछ ठीक होने लगा है, ये सुनने के लिए आप सब इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी की पोस्ट ने सभी को हैरान कर दिया। धर्मेंद्र जी की पोस्ट ने फिर से बता दिया कि धर्म हेमा के बीच दूरियां आ गई हैं। दरअसल अभी अभी धर्मेंद्र ने इंस्टा पोस्ट पर ईशा, आहना और हेमा से माफी मांगी। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि करण की शादी में मुझे शायद तुम लोगों से पर्सनली बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाया, जिसका पछतावा अब हो रहा है। वैसे तो धर्मेंद्र जी पर्सनली ये बात बोल सकते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी ने सार्वजनिक हेमा जी से माफी मांगी। धर्मेंद्र जी ने आगे ये भी कहा कि मेरी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप लोग मुझे माफ कर देंगे। धर्मेंद्र की पोस्ट पर हेमा का कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने माफ तक नहीं किया, लेकिन ईशा ने इतना जरूर कहा कि लव यू पापा, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ईशा ने हेमा को भी टैग किया, लेकिन हेमा का एक भी जवाब नहीं आया। ईशा को भी सार्वजनिक अपने पापा की पोस्ट पर जवाब देना पड़ा। मतलब अभी तक धर्मेंद्र हेमा के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी अभी तक अपनी बेटियों से भी दूर हैं। धर्मेंद्र की जिंदगी में कुछ दिनों से कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, और इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं अनुपम खेर को भी हो गया है। अनुपम खेर उनके दोस्त हैं, धर्मेंद्र और हेमा की बीच की दूरियों के बात भी जान गए हैं। और जब धर्मेंद्र पोते की शादी के बाद अपने दोनों परिवार की टेंशन से परेशान थे, तो ये बात उन्होंने अनुपम खेर और राज बब्बर से शेयर की थी। ऐसे वक्त में अनुपम खेर ने उनका मूड ठीक करने के लिए कुछ गाने, कविता, नज़्में बोलने को कहा। दोनों अपने दिलों की बातें शेयर कर रहे थे और ये बातें प्यार मोहब्बत तक पहुँच गयी, पुराने दिन याद आ गए। कहीं ना कहीं इन कविता से दोनों अपने दिलों की बात और दुख बयां कर रहे थे। धर्मेंद्र जी ने भी हेमा के लिए कुछ बातें की, भले गाकर की हों, लेकिन ये लाइनें हेमा के लिए थी। इससे पहले भी धर्मेंद्र जी इंस्टा पोस्ट के जरिए अपने और हेमा की दूरियों का जिक्र कर चुके हैं। उस पर धर्मेंद्र ने कहा था कि अब कुछ फासले आ गए हैं, मैंने कहा सब कुछ ठीक है और उसने मान भी लिया। अब धर्मेंद्र जी पोते की शादी के फंक्शन में अनुपम खेर से कहते दिखे कि घुटन होती है, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल कहना चाहता है लेकिन नहीं पा रहा। अनुपम खेर ने उनका साथ दिया और धर्मेंद्र की लाइन सुनकर वो भी इमोशनल हो गए।